राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पपरोला में चल रहे दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 16 राज्यों से आए आयुर्वेदिक शोधकर्ता एवं विशेषज्ञों ने लगभग 141 के करीब शोध पत्र पढ़े और 34 पोस्टर तथा 14 कैसेज पढ़े गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि निदेशक आयुर्वेदा डॉक्टर आर के परोथी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने छात्रों, प्रोफेसरों तथा चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे आयुर्वेद पद्धति को प्राथमिकता दें तथा आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही रोगियों का निदान करें। समाज हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, पिछले कल जो विभाग गतिविधियां कर रहा है, हालांकि फील्ड में तो इस बात की सबको जानकारी है और जब भी कोई ऐसी स्टेज का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है, प्रयास यही रहता है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसे हो, हम हर व्यक्ति तक कैसे पहुंच पाए। अगर हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।